सभी किसान भाई को नमस्कार, मैं संजीव कुमार यादव। जैसा कि आज देख रहे हैं हम जो है नेनुआ के फील्ड में आए हुए हैं। तो नेनुआ जो है इधर बलिया में ही है हम, तो नेनुआ जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है पानी भी दिया गया। बोले कि इधर किसान भाई हम गए थे एक दुकान पे, तो बताने लगे कि भैया मेरे यहाँ खेत में जो है नेनुआ में जो है रोग लगा हुआ है। अब बता नहीं पा रहे थे कौन सा रोग लगा हुआ है, तो हमें इधर गाँव के लैंग्वेज जो है पता है कौन कौन से गाँव में जो है नाम से किस रोग का किस नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक भी पता है वैसे भी पता है। तो इसे आके हमने देखा, तो फिर देखा कि इधर बोले पानी हम दे चुके हैं लेकिन कोई दवा कोई काम नहीं कर रही है, और ना यूरिया भी इसमें नहीं डाले हुए हैं। बोले यूरिया नहीं डाले हैं उससे भी, और रोग भी लगे हुए हैं इसमें, तो रोग तो जो है और कीट भी लगे हुए हैं, अलग अलग कीट भी इसमें लगे, जैसे चूसने वाले होते हैं ना कि जैसे पत्तियों को चूस लें वैसे कीट लगे हैं, जैसे थ्रिप्स हो गई, माइट्स भी हैं उसके लिए। और जो रोग लगा इसमें गाँव की भाषा में से कुकरा या मुड़िया रोग कहते हैं, बाकी तो साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं बोलना है मुझे। क्यों इसलिए नहीं बोलना है, क्योंकि किसान को तो नॉन लैंग्वेज ही जानना है, क्योंकि उसी से सारी चीज पकड़ पाएंगे। हम बता दें तो समझ नहीं पाएंगे, तो हम आज आपको पूरे डिटेल बताएंगे। और इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से जो है वो रोग और कीट लग रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए पूरा इधर जो है इतना पूरा किया गया खेत, और उसमें रोग भी आपको हम दिखा दे रहे हैं जो लगा हुआ है। भाई पीछे हो जाओ थोड़ा सा, दिखा दो, देख रहे होंगे आप, ये देखिए, देख रहे हैं, देख रहे एकदम मुड़ा चिंगड़ा, जैसे बुरचा स्टेप में होता है वैसे एकदम हो गए। इसे कहते हैं मुड़िया या तो कुकरा रोग, और इसमें कीट भी लगेंगे, आप खिलाएंगे देख रहे हैं उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, तो इसमें कीट भी लगे हुए हैं, चूसने वाले कीट लगे हैं, और इसी वजह से जो है इसमें ग्रोथ भी नहीं आ रहा है पौधों में, क्योंकि वो फल में इसके जो है आपको हम दिखाएं, तो मैंने पीछे चल फिर थोड़ा सा, ये देख रहे हैं बोल रहे भैया कि ज्यादा तेज ग्रोथ नहीं हो पा रहा, टूट गया यार, टूट गया, देख रहे हैं। इसके चक्कर में आप लोग देखते होंगे कि देख रहे हैं ऐसे ही जब कीट यहाँ पे चूसेगा तो टेढ़ा हो जाता है, और जहां जहां चूसेगा कहते हैं ना कि सही से नेनुआ नहीं हुआ, यही वजह है कि जो सही से नेनुआ नहीं होता क्या होता है कि जो कीट्स होते हैं इसे चूस लेते हैं, चूस लेंगे तो वहां से कि मुड़ जाता है। आप यही में नहीं, अगर आप ध्यान में दिए होंगे खीरा में भी आप देखते होंगे कि जगह जगह से जो है टेढ़ा टेढ़ा दिखता है, इसीलिए दिखता है क्योंकि उसमें जो सकिंग पेस्ट होते हैं चूसने वाले कीट होते हैं उस पर लग जाते हैं, तो दिक्कतें आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेनुआ में आप कौन सा क्या डालेंगे। वैसे तो 5 कट्ठा है, तो उसमें आप 4 या 5 kg जो है आप यूरिया पहले तो डाल दें। यूरिया डालने के बाद जो है इसको, और जो भी दवा हो चाहे यूरिया हो जो भी डालें, इसमें शाम को डालें, क्योंकि इतना ज्यादा धूप हो रहा है ये दिक्कत सबसे ज्यादा कर रही है यहाँ पे, तो आप उसे डालें। और जो कुकरा और मुड़िया रोग कह रहे हैं इसके लिए आप मैंकोजेब 25 ग्राम, और जो कीट लगा एसीटामिप्रिड आता है आप उसे ले लीजिए, और कोई टॉनिक, एक टॉनिक लेंगे क्योंकि इसमें बता रहे फूल नहीं टिक रहा है और बढ़ नहीं रहा है, उसके लिए आपको आता है अदामा कंपनी का फ्लम्बर जाता है, और दयाल फर्टिलाइजर कंपनी से एक जो है अमृत जी टॉनिक आता है 30 ग्राम जो है, दोनों को चाहे प्लम्बर जो चाहे अमृत जी टॉनिक आता है उसे 30 ग्राम साथ में मिलवा के आराम से डालिए। उससे क्या होगा कि ये रोग जो है वो भी सही हो जाएगा, और जो इसमें देखे फल में ऐसे ऐसे देखते रहो, आपको दिखा भी चुके हैं, देख लीजिए फिर से, देख रहे हैं ऐसे टेढ़ा हुआ, फिर जहां जहां इसे करेगा वहां से दब जाएगा, जिससे क्या होता है क्वालिटी खराब हो जाती है। जब आप मार्केट में जाते हैं देखते हैं कि साला टेढ़ा टेढ़ा हो रखा है, तो फिर उसके रेट सही नहीं मिल पाते हैं। तो आप इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप यही यूज करवाइए, और देखते रहिए कि पहले तो आप पहले से सतर्क रहिए, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा पड़ा है, कोई भी खेती करेंगे तो रोग आना ही आना है, तो आप इससे बचते रहिए, और बढ़िया से आप अपने खेतों की निगरानी करते रहिए, और समय समय पर जो है चाहे खाद हो चाहे रोग की दवा हो, कहीं लेट करेंगे जैसे ही लेट करेंगे तो दिक्कतें आनी है इधर, तो आप इसके लिए आराम से दवा डलवाइए, सही हो जाएगा। और अगर हमारा आज वीडियो अच्छा लगा हो तो आप किसान खुशहाल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।